अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, अपने घर में हथियार रखो। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर का जहरीला बयान, कतर के प्रसिद्ध लेखक का आया रिएक्शन। भारतीय जनता पार्टी की नेता और सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कर्नाटक में कहा कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा, लव जिहाद करने वालों को लव जिहाद जैसा उत्तर दो, अपनी लड़कियों को सुरक्षित रखो, लड़कियों को संस्कारित कर रखो, घर में हथियार रखो, नहीं है तो सब्जी काटने वाला चाकू ही तेज रखो। उन्होंने चाकू से हमारे हर्षा को गोदा था, हमारे हिंदू वीरों बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काटा गोदा है, तो हम भी सब्जी काटने वाली चाकुओं को तेज रख ले, पता नहीं कब कैसा मौका आए। जब हमारा सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छे से कटेंगे। उन्होंने कहा, अपने घरों में हथियार रखें, यदि और कुछ नहीं है तो कम से कम उन चाकुओं की ही धार तेज रखें, जिनका इस्तेमाल सब्जियां काटने के लिए किया जाता है। मैं नहीं जानती कि कौन सी स्थिति कब पैदा होगी। हर किसी को आत्मरक्षा का अधिकार है। यदि कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करता है तो उचित जवाब देना हमारा अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। साथ ही गोदी मीडिया की चुप्पी पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, समुदाय विशेष के खिलाफ बयान को लेकर कतर से भी प्रतिक्रिया आई है। कतर के एक प्रसिद्ध लेखक ने भाजपा सांसद के बयान पर टिप्पणी की है। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने ट्वीट किया, प्रज्ञा ठाकुर ने दुश्मन से बचने के लिए चाकू रखने को बोल रही है, पर कोर्ट हियरिंग से बचने के लिए घर में व्हील चेयर रखने की बात को बताना भूल गई। सोशल एक्टिविस्ट प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट किया, मालेगांव ब्लास्ट आरोपी प्रज्ञा ठाकुर कह रही है कि चाकू धार रखो, हथियार धार रखो, हालांकि कोर्ट के बुलावे पर व्हील चेयर कैंसर आदि का बहाना बना लेती है। अगर कोई मुस्लिम बोल देता तो टीवी डिबेट एक हफ्ता चलता तथा यूएपीए एनएसए लग जाता। 3 मीटर भगवा खरीद ओढ़ कर आतंक फैलाने की इजाजत है? असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने पूछा, सब्जी काटने वाला चाकू तेज रखो, पता नहीं कब कैसा मौका आए, सब्जी अच्छी कटेगी, दुश्मन का सर भी अच्छा कटेगा। प्रज्ञा ठाकुर, इस भड़काऊ भाषण पर कब कार्रवाई होगी, कब इनको जेल भेजा जाएगा? टीपू सुल्तान पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कहा गया, मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए अपने घरों में चाकू और छुरी रखो। बीजेपी MP प्रज्ञा सिंह ठाकुर कितने आसानी से खुले मंच से मुसलमानों को सबक सिखाने की बातें करती है और इस पर मुस्लिम सिस्टम्स, मीडिया, विपक्ष सब चुप रहते हैं। RJD प्रवक्ता अरुण कुमार यादव ने ट्वीट किया, मालेगांव बम ब्लास्ट की आरोपी बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को खुलेआम विवादित बोल बोलने के लिए प्रधानमंत्री व बीजेपी ने छोड़ रखा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं राष्ट्रपति से प्रज्ञा ठाकुर की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने और कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजने की मांग करता हूं। वहीं कतर के प्रसिद्ध लेखक और शेख अब्दुल्ला अल अमादी ने प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कहा, हिंदू चरमपंथी ने कर्नाटक में अपने भाषण के दौरान हिंदुओं से घरों में चाकू रखने और कम से कम सब्जियों को अच्छी तरह से काटने वाले चाकुओं को तेज रखने की अपील की। वो कौन है जिन्हें ये दुश्मन बता रही है, मुस्लिम, सिख, ईसाई? इन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। भगवा को कौन बदनाम कर रहा है, ये महिला या शाहरुख खान? बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कतर के प्रसिद्ध लेखक के इन सवालों को आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर वायरल न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।